नहीं होगा जहां से कोई ट्रैफिक, क्योंकि ब्रिज बन रहा है, एलिवेटेड रोड बन रहा है, तो ऐसी कंडीशन में कोई ठेला नहीं हो, तो वेंडिंग है, नॉन वेंडिंग है, ऐसा अपन बोल रही, लेकिन उसमें फिर वो हम उसको वहां नहीं करा रहे। दूसरा है सफेद सब्सिडी और की वहां पे, तो मैक्सिमम आपकी कोशिश ये दीवार और आपके बीच में DPS Senior Secondary School Tabiji लेकर आए हैं ऑनलाइन क्लासेस फ्रॉम प्री नर्सरी टू क्लास 12, 50% डिस्काउंट ऑन गर्ल्स फीस, ऑनलाइन एडमिशन ओपन, विजिट dpsajmer.in। ये हाथ ठेला चालक जो हैं, इनके लिए पूर्व में ये निर्देश थे कि नगर निगम से इनकी सूचियां प्राप्त की जाएंगी और उसके अनुसार इनको परमिशन दी जाएंगी, लेकिन काफ़ी समय से ही सही सूचियाँ अभी तक प्राप्त नहीं हो रही है, और कुछ ये जो मार्केट है ये काफ़ी कंजेस्टेड है और एलिवेटेड रोड का काम चलने से यातायात को डाइवर्ट भी किया हुआ है। इस हेतु हमने ठेला संचालकों से और इनके जो भी यूनियन है उनसे काफ़ी बार बैठकें कर ली है। अब उन सब बैठकों के हालात जो हमने मुख्यालय पर सीमांत पुलिस अधीक्षक महोदय को भी हालात निवेदन किए हैं हमने, तो वहाँ से जो भी निर्देश प्राप्त हुए हैं और ठेला चालकों की जो समस्या है उनको समस्या को निपटाने के लिए कुछ गाइडलाइन तय की गई है, और उन गाइडलाइन के बारे में हम आज इनको मीटिंग लेके बताया है, और उक्त गाइडलाइन की पालना करते हुए ठेला संचालक जो भी हैं वो अपना, जिनको भी नगर निगम से अनुमति प्राप्त है, वो अपना कारोबार व्यवसाय कर सकते हैं, और कल इनको और मौके पर जाके एक बार समझाइश की जाएगी कि कहीं भी यातायात अवरुद्ध नहीं हो, कहीं ऐसी जगह नहीं जहाँ कंजेस्टेड है और वहाँ पर कोई भीड़ भाड़ सी जगह है जहाँ सोशल डिस्टेंसिंग की पालना नहीं हो सकती हो, ऐसी जगह वो ठेले वगैरह नहीं लगाएं, और ठेला चलाने और ठेला रखने के संबंध में जो भी नगर निगम की गाइडलाइन है उसकी भी पालना करें, और COVID-19 को संक्रमण को लेकर जो गाइडलाइन है उसकी भी पालना करें। इस हेतु इन्हें हिदायत की गई और इनसे एक शपथ पत्र भी इस बाबत, शपथ पत्र कह दीजिए या एक बाउंड लेटर कह दीजिए, वो भी इनसे लेने के लिए इनको बोला है, तो ये बता रहे हैं कि हम लोग इस तरह का जो भी गाइडलाइन होगी उसकी पालना करेंगे।